हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे खासे, आपके कंपटीशन में भी आते हैं और साथ साथ जो बीटीसी के क्लासेस होते हैं, डीएलएड के क्लासेस होते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज ये वीडियो जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसमें एंगल निकालना पूछ लेता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूछ लेता है, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको कहते हैं। तो हम पहले समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। दोस्तों, त्रिकोणमिति एक मैथ्स का ब्रांच है, एक शाखा है, जिसका मतलब होता है हिंदी में त्रिभुज की भुजाओं का मापन। ठीक, अंग्रेजी में इसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जिसका मतलब भी वही होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। दोस्तों, त्रिभुज के तीनों जो भुजा होती है उसके उसके हेल्प से आप यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनाना है, समकोण त्रिभुज ही बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज हो, अगर उसकी सारी भुजाएं आपको पता हो, ज्ञात हो, तो आप उसके मदद से कोणों को माप कर सकते, कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसके एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी के पैरेलल आप अगर कोण पता है आपको ट्रायंगल में, तो आप उसके हेल्प से उसके साइड्स को, उसकी भुजाओं को, उसकी लंबाई वगैरह का अनुपात जो भी है आप पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, इसका ये कॉर्नर जो है ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, ये हमेशा समकोणी बनेगा त्रिकोणमिति में, और ये एंगल जो है इसको आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ समझना है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है आप यहाँ पे, जो ए बी है यहाँ पे, वो आपका आधार हो गया, यानी बेस हो गया, आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। इसको मान लीजिए स्मॉल बी, ये आपका लंब हो गया, यानी आपका इसको मान लेना है पी, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसको आपको मान लेना एच। दोस्तों, साइन थीटा बराबर, आपको एक चीज याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला। दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये पी बाई एच। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सी साइड से अगर देखें हम लोग, भुजाएं देखें, बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी हो गया। इसी तरह आप, ये साइन थीटा है दोस्तों, साइन थीटा फार्मूला है। इसी तरह आप कॉस थीटा का जब फार्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी बेस अपन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। ठीक, अगर इसको भुजाओं के एंगल से लिखें, अगर भुजाओं के रूप में लिखें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी हो गया। तो ए बी बटा आपका कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी हो गया। ठीक, इसी तरह दोस्तों अगर टेन थीटा हम देखें, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हम देखें तो वो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं। अगर हम लोग इसको भुजाओं के रूप में लिखें, दोस्तों आपको एक चीज़ और जान लेना है, जो टेन थीटा होता है
वो हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा भी होता है। तो देखिए कैसे क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है, आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा देखिए कैसे हो जाता है, यही तो यही आएगा अगर आप साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, तो कितना है बी सी अपॉन ए सी टोटल का बटा कितना है कॉस थीटा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ से देखिए ए सी से ए सी बच्चा क्या बी सी अपॉन ए बी, देखिए बी सी अपॉन ए बी आ गया। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और टेन थीटा बराबर ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक दोस्तों आपको एक चीज़ और देखना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ साथ कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन देखना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो साइन थीटा होता है वो हमेशा वन अपन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, यानी अगर कॉसेक थीटा को हम लोग वन बाई कॉसेक थीटा लिख देंगे अगर, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक थीटा अगर देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे जस्ट। इसी तरह आप कॉस थीटा को देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा वन अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, वन अपॉन कॉस थीटा, ये इतना आप समझ गए। इसी तरह आप टेन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन देखिए, इसी तरह आप टेन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन देखिए। मान लीजिए टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा वन अपॉन टेन थीटा। आया समझ में दोस्तों? अब देखिए, अब आपको देखना है कर्ण लंब और आधार के अकॉर्डिंग, इसके रूप में देखना है टेन थीटा कॉट थीटा टेन और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का क्या वैल्यू आएगा, भुजाओं के रूप में देखना है। तो हमने आपको पहले बता दिया है आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा यहाँ पे। अब साइन थीटा का वैल्यू हमने देखा तो बहुत इसके पहले क्या था, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, लंब बटे एल बाई लंब बटे कर्ण था, यही तो था लंब बटे कर्ण था, यानी वन अपॉन लंब क्या है बी सी अपॉन ए सी, यही तो था। इसको जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ए सी ऊपर चला जाएगा, तो ए सी अपॉन बी सी, ये आपका आ गया कॉसेक थीटा का वैल्यू। अब आप देखिएगा दोस्तों, आप देखे होंगे साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था बी सी अपॉन ए सी, यहाँ क्या हो गया जस्ट उसका उल्टा हो गया, यानी ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह आप कॉस का भी निकाल लेंगे टेन का भी निकाल लेंगे, तो कॉस के वैल्यू हम लोग क्या देख चुके हैं ऊपर, कॉस की वैल्यू कितनी आई थी कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कितनी आई थी ए बी अपॉन ए सी। तो इसी को जब उल्टा कर लेंगे, इसी को जब उल्टा कर लेंगे यानी ए सी ऊपर कर देंगे और ए बी नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। आया समझ में, आया समझ में इतना। इसी तरह अगर हम टेन थीटा का देखेंगे, टेन थीटा का वैल्यू देखेंगे, तो टेन थीटा का वैल्यू हमको पता है ऊपर हम लोग लगा चुके हैं कि उसमें आप देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, इसी का जस्ट उल्टा अगर आप कर देंगे यानी ए बी ऊपर चला जाएगा बी सी नीचे आ जाएगा,
तो ये हो जाए आपका कॉट थीटा का वैल्यू। आया समझ में इतना? दोस्तों आपको एक चीज़ याद रख लेना है, आप ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि ये जो कॉस थीटा लिखा है इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि कॉस इंटू थीटा या साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा, इसका मतलब कदापि ये नहीं होता, ये गलत है, रॉन्ग है। थीटा एक एंगल है, वो हमेशा उसी के साथ जुड़ा रहेगा, ऐसे नहीं लिख सकते आप। यानी कॉस थीटा हमेशा एक ही साथ रहेगा, अलग अलग गुणा, इसका मतलब गुणा नहीं है, वो साथ में ही एंगल है वो। साइन थीटा हमेशा ऐसे ही रहेगा, अलग से नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अब देखिए हम जो देखते हैं टेबल कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं एंगल का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन देखना है साइन थीटा का, और उसके उसी के हेल्प से आप सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे साइन थीटा, साइन लिखिए, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया आपका सेक, ये हो गया आपका कॉट। अब थीटा का वैल्यू जो है, जो थीटा का वैल्यू है, मान लीजिए अगर 0 है यहाँ पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो दोस्तों पहला आपको देखना है साइन का, साइन जीरो की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये आपको देखना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और आपका साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक। आपको इतना याद हो गया, ये पहला लाइन आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना, बस यही पहला लाइन आपको देखना था। अब कॉस में जब हम आएंगे टेबल में, कॉस के टेबल में, तो इसी को पलट देंगे। अब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, अब इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन कॉस 0 को नीचे लिखिए, क्या लिख देंगे, 1 ये वाला, और ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 1/√2 ऐसे ही रह जाएगा उसी पोजिशन पर, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टेन पे। टेन का पता है आपको कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही तो होता है। तो जब अगर टेन 0 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन 0 का जो वैल्यू रहेगा वो अपन कॉस 0 का जो वैल्यू रहेगा वो, अगर बटे में लिख देंगे टेन 0 का आ जाएगा। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1, यानी 0/1 अगर करेंगे, 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी टेन 0 का मतलब क्या होगा, 0। इतना बटा इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना करते जाएंगे टेन का वैल्यू आता जाएगा। इसी तरह 0/1 किया 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2 कर देंगे तो 2 से 2 चला गया, ऊपर क्या बच जाएगा, 1/√3 ये बच जाएगा। इसमें 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, ये √3/2 बटा 1/2 करेंगे, 2 से 2 गया, बचा गया √3 बचा ना, तो √3 यहाँ रख देंगे। और किसी भी नंबर में दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, 0 से डिवाइड करने पे वो हमेशा इन्फिनाइट आता है, अनंत, इन्फिनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आए हम लोग कॉसेक पे, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, हम आपको पता है कि कॉसेक मतलब क्या है, कॉसेक क्या होता है, जस्ट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यही तो बताया है, हम यही तो बताए पहले वीडियो में, इसके पहले मतलब शुरुआत में हम लोग यही तो बताए हैं
कॉसेक बराबर क्या होता है, वन अपन साइन होता है। तो जो जीरो वैल्यू है साइन की, साइन जीरो वैल्यू, उसको अगर बट्टे में कर देंगे, उसको पलट देंगे हम लोग, एक बट्टा में लिख देंगे, तो कॉसेक वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपान जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसका मतलब अनंत, तो ये अनंत लिख देंगे। इसको वन बाई जीरो, वन बाई टू, वन अपान वन बाई अंडर रूट टू, वन अपान रूट थ्री बाई टू, ऐसे लिखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे वन बाई टू को, ऊपर नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, रूट टू ऊपर चला जाएगा वन नीचे आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, साइन सिक्सटी कॉसेक सिक्सटी में टू ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री नीचे आ जाएगा, वन तो चलिए वन ही रहेगा, ऊपर नीचे करना वन ही रहेगा। ये दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। अब सेक में आएंगे, सेक क्या है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, पलट देते हैं कॉस को तो सेक की वैल्यू आ जाती है। तो वन को पलटेंगे, वन बाई वन करेंगे तो वन ही आएगा, इसको नीचे ले अगर करेंगे तो दो नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा और थ्री नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, इसको पलटेंगे अगर तो ऐसे ही तो लिखेंगे, तो टू ऊपर चला जाएगा, थ्री रूट थ्री नीचे बच जाएगा। देखिए ऐसे लिख दिए हम, इसमें क्या करेंगे, रूट टू, ये क्या करेंगे, रूट टू ऊपर चला जाएगा, इसमें क्या करेंगे आपका टू ऊपर चला जाएगा, जीरो अगर नीचे आएगा वन के तो ये क्या आएगा, अनंत ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अनंत आ गया। अब देखिए कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन को अगर पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। आपको पता है वन वन बाई टेन बराबर कॉट होता है, यानी कॉट टेन थीटा बराबर वन बाई कॉट होता है, दोनों उल्टा होते हैं एक दूसरे के। तो जीरो को जब बटे में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वन बाई जीरो जब करेंगे तो वो भी अनंत आ जाएगा। तो किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनंत आ जाता है, इन्फिनाइट आ जाता है, अपरिभाषित। और ये रूट थ्री बाई वन बाई रूट थ्री है तो ये पलटेगा तो रूट थ्री बाई वन आ जाएगा, यानी रूट थ्री लिखिए, वन लिखने की जरूरत है नहीं अगर बट्टा में है तो। और ये ऊपर ये वन है, ये वन है, रूट थ्री यहाँ ये वन है, तो वन को पलटेंगे तो वन ही रहेगा। रूट थ्री को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन रूट थ्री आ जाएगा। इन्फाइनाइट को जब पलटेंगे आप तो वो हो जाएगा जीरो आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को लिखिए जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन। इसको फिर पीछे पीछे से शुरुआत करिए, जी वन रूट थ्री बाई टू, मतलब एक बार लेफ्ट साइड से चलिए और कॉस वाले में राइट साइड से चलिए, ठीक है। और टेन क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, रखते जाइए आ जाएगा वैल्यू। अब कॉसेक क्या होता है, साइन को बस पलट दीजिए बट्टा में, सबको वन से सबको डिवाइड कर दीजिए वन में, वन बाई जीरो, वन अपॉन वन बाई टू, ठीक है, सबको पलटते जाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, अंश को हर में, हर को अंश में बदलते जाइए। तो वन बाई टू है तो वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। वन अपन अंडर रूट टू है तो वो क्या हो जाएगा, रूट टू ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, यदि कॉस थीटा बराबर थ्री बाई फाइव है तो आपको सारे त्रिकोण मिति जो अनुपात है वो बताने हैं, ठीक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं आपको। अगर कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया है तो आपको साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा पता करना है। तो देखिए कैसे पता करते हैं हम लोग, कॉस देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल यहाँ बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक। आपका दे दिया है कॉस थीटा बराबर, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। कॉस थीटा बराबर दे दिया आपका, ये थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर दे दिया आपका, क्वेश्चन में दे दिया कॉस थीटा बराबर थ्री बाई फाइव, तीन बटे पाँच, तो तीन बटे पाँच दे दिया। और आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार यहाँ से क्या पता चल रहा है, तीन, और कर्ण क्या पता चल रहा है आपका, क्या पता चल रहा है, कर्ण पाँच, यही तो पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ समझना है, ये तीन और पाँच रख दिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी रेशियो की बात होती है ना, जब भी रेशियो की बात होती है तो वो एक पार्ट की बात होती है, मतलब एक भाग की बात होती है, वो कोई राउंड, वो कोई एग्जैक्ट कोई डिजिट के बारे में बात नहीं करता, एक पार्ट के बारे में बात करता है।
तो उसीलिए इसके साथ साथ के आप रखते चलिए के, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं करता है बात, वो पार्ट के बारे में बात करता है। तो देखिए अब क्या करना है, आपको इतना पता चल गया 3K 5K आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना BC कितना होगा। आपको ए भी तो पता चल गया 3K, AC पता चल गया 5K, अब BC पता करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है AC बराबर कितना है, 5K स्क्वायर, 5K स्क्वायर है। AB कितना है, 3K स्क्वायर, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर होगा। और BC कितना है, वही हमको पता करना है, लंब पता करना है। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू BC बच जाएगा इधर, BC का स्क्वायर। अब ये प्लस है, इसको इक्वल टू के इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको आप पलट दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 25K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16K स्क्वायर। 16K स्क्वायर आएगा, 16K स्क्वायर यही आएगा ना, यही आया आपका 16K स्क्वायर। अब 16K स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर आया, तो यहाँ से BC बराबर क्या होगा। ये जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा ना, 16K स्क्वायर, जब इधर से स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और के स्क्वायर से एक रूट चला गया यानी 4K आ गया। BC बराबर क्या आ गया, 4K। और ये BC जो है यही आपका क्या है, लंब है, यही क्या है आपका, लंब है। BC क्या है आपका, लंब है, यानी 4K यहाँ पे रख देंगे, ये आपको पता चल गया। अब देखिए आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा जो भी पूछा लग जाएगा। देखिए अब उसने बोल दिया है कि बताइए साइन थीटा क्या हो गया, सारे अनुपात पूछ लिया उसने, तो सबसे पहले साइन थीटा हम निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण। लंब कितना है, 4K, और आपका कर्ण कितना है, 5K है। तो यहाँ से के गया, बचा कितना, 4/5, यही तो बचा, 4/5 आ गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। इसी तरह हम निकाल देंगे टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, लंब अपन आधार, लंब कितना है 4K और आधार कितना 3K, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 4K और बेस कितना है 3K। जब यहाँ रख देंगे K से K चला गया, बचा कितना 4/3, ये टेन थीटा का वैल्यू आ गया। और आपको कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट पलट देंगे तो आपका क्या जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, यानी 4/5 है तो इसको 5/4 लिख दीजिए, इसको कॉसेक हो गया। इसी तरह सेक देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 10 वो कॉस को पलट दीजिए, कॉस कितना था 3/5 था, 5/3 कर दीजिए। इसी तरह क्या 10 को देख लीजिए, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या करना है, 10 वाले वैल्यू को पलट दीजिए, 4/3 लिखा है तो 3/4 लिख दीजिए, आ गया सारे, ये आ गया सारे आ गए, यही आंसर है। आपको ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। इसमें दे दिया इफ़ 10 थीटा बराबर 4/3, तो
बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगी। यदि टेन थीटा का वैल्यू 4/3 दे दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले करना नहीं है आपको, एक समकोण बना ले दोस्तों, पहले लिख देंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। दे दिया है टेन टेन थीटा बराबर 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3 दे दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप साइड निकालिए, भुजा निकालिए। टेन थीटा का वैल्यू होता क्या है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो लंब क्या है आपका 4 और आधार कितना है 3। लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस कितना है 3 है। आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण पता करना है, एसी पता करना है, ठीक है। अब देखिए आप भुजा के रूप में अगर देखें, भुजा के रूप में तो क्या है आपका, ए बी पता है, बी सी पता है, एसी पता करना है, एसी पता करना है। तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन होगा समझने में। अगर आप सोच रहे हैं सी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर, ऐसा नहीं है, टोटल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर पता करना है। अब ए बी का वैल्यू कितना है, 3 है, 3k रख देंगे यहाँ पे, k बना देंगे इसको, क्योंकि अनुपात का बात कर रहा है ना, 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और बी सी कितना हो जाएगा, 4k का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर, ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड करिए आप, 25k स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से जब ए सी निकालेंगे यानी स्क्वायर जब इधर आएगा आर एच एस साइड में, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये जब ब्रेक करेंगे इसको तो 25 किसका होता है, 5 का होता है स्क्वायर, और के स्क्वायर जो है तो स्क्वायर से कड़ी चला जाएगा तो बचा गया के, यानी ए सी बराबर कितना आ गया, 5k आ गया, ए सी बराबर क्या आ गया, 5k हो गया। अब देखिए दोस्तों, के भी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बोल रहे ना क्योंकि डीएलएड में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आ जाएगा ऐसे, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k, के से के कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4/5, यही तो आया। इसी तरह आप कॉस देखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3k, कर्ण कितना है 5k, 3k/5k, के से के गया, बचा कितना आपका 3/5। अब इन दोनों को वैल्यू पुट करना आपको किसमें, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है, यानी पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। तो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले साइन थीटा का वैल्यू रख के उसको स्क्वायर कर दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए आप, कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 16/25, ये क्या आ जाएगा 9/25,
इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 25 ही रह जाएगा, कॉमन है तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, यानी क्या हो जाएगा 25 बटा 25, ये कट कर क्या आ जाएगा 1, कट कर 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया फाइनल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।